हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और पीरियडिक क्लासिफिकेशन में पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पीरियडिक प्रॉपर्टीज हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे पहले हमने जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़ा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में जाना था। ठीक है, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे पीरियडिक प्रॉपर्टीज को। पहला वाला जो पार्ट था वो हम लोग एटॉमिक बेसिस पे हम लोग देख रहे थे, एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, यानी कि वैसा पीरियडिक प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग एटॉमिक लेवल पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, करने के लिए कहे थे। और सेकेंड वाला था वैसा प्रॉपर्टीज जो था जिसको हम लोग एटम के बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, इसके बारे में हम कहे थे। तो जिसमें एटॉमिक प्रॉपर्टीज में जिसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं वो हम लोग क्या बोले थे? वो हम लोग कहे थे जेड इफेक्टिव के बारे में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी के बारे में, ऊपर से आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। और जो बचे हुए थे यानी कि एटॉमिक रेडियस हो गया, साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सभी को हम लोग एटम के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, यानी कि मॉलिकुलर फॉर्म में हम लोग उसको देखते हैं, करते हैं। तो कल हम लोग पहला प्रॉपर्टीज को खत्म किए थे, जो कि कौन सा था? आपका जेड इफेक्टिव था, ठीक है। और उसमें हम लोग जाने थे ट्रेंड्स को पहचानने पता किए थे, उसको स्लेटर कांस्टेंट के बारे में जाने थे, सिग्मा कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारा चीज हम लोग देखे थे। और फाइनली ट्रेंड्स पर हम लोग पहुंचे थे कि पीरियड में, अलोंग पीरियड व्हेन वी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, जैसे मान लेते हैं ये यहाँ हमारा पीरियोडिक टेबल रहेगा, तो लेफ्ट से राइट में जब हम लोग जाएंगे पीरियड में, तो हम लोग क्या देखे थे कि जेड इफेक्टिव जो है वो क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। सिग्मा की यदि हम बात करें तो सिग्मा इंक्रीज हो रहा था बाय 0.35। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि यदि हम पीरियड में जा रहे हैं, P2 में जा रहे हैं, सेकेंड पीरियड में जा रहे हैं, तो सिग्मा का इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है, और जेड इफेक्टिव जो है वो 0.65 का अप्रॉक्स देखने को मिल रहा था। ये काफी बारीक सा चीज है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। यदि क्वेश्चन कर ही देता है कि कितना पॉइंट से कितना से वो जो है वो इंक्रीज कर रहा है जेड इफेक्टिव अलोंग द पीरियड P2 में, सेकेंड वाले पीरियड में, तो कितना हो जाएगा? 0.65, जो हम लोग कल कैलकुलेट करके निकाले थे, ठीक है। और ये भी जाने थे कि अलोंग द पीरियड जब हम लोग जा रहे थे तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा था? यस, जेड इफेक्टिव क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। और डाउन द ग्रुप जब हम लोग जा रहे थे तो उस समय, यानी कि जब हम ग्रुप में देख रहे थे, तो उस समय अपना जेड इफेक्टिव जो था वो कांस्टेंट था, इसको भी हम लोग कैलकुलेट करके पहुंचे थे रिजल्ट तक, ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो दूसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एटॉमिक रेडियस, ठीक। और हम ये भी कहे थे कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रहेगा वो आपका पूरे इनऑर्गेनिक में पीछा नहीं छोड़ने वाला है, कहीं ना कहीं आगे पीछे इस तरीके से हम लोग जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे ही। कई जगह जो रीजन जो एक्सप्लेन करने को आपको देखने को मिलेगा, यानी आगे जब हम लोग स्टडी करेंगे और डेप्थ में, तो कई जगह पे उसका रीजन, इसका रीजन, इस चीज का स्टेटमेंट का रीजन क्या होगा, या इस कॉन्सेप्ट का रीजन क्या होगा, तो वो रीजन जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से निकल करके आए, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे भी आपका इस चैप्टर के बाद भी, इवन बॉन्डिंग में भी और जितने भी चैप्टर्स हैं, कभी कभी ब्लॉक केमिस्ट्री में भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो इसको अच्छे से देखेंगे एक एक चीज को। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग किसके बारे में? एटॉमिक रेडियस के बारे में। आज का जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखेंगे वो क्या देखेंगे? एटॉमिक रेडियस, ठीक है, ठीक है, थोड़ा ओके, कोई बात नहीं। क्या देखने वाले हैं हम लोग? एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो बेसिकली जो है एटॉमिक रेडियस, नाम से लग रहा है एटम का रेडियस, सही भी बात है एटम का रेडियस, लेकिन एटॉमिक रेडियस जो होता है वो एक एटम के रेस्पेक्ट में हम लोग कभी भी नहीं कह सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली यदि देखा जाए तो हम लोग एक एटम का जो रेडियस है वो मेजर कर पाना मुश्किल हो पाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग कई सारा चीज पढ़े हैं कि जो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, वो कहीं भी रह सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी पाया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू स्क्रॉडिंगर भी था ये चीज, ठीक है। वेव फंक्शन से भी हम लोग कहे थे कि व्हेन अ इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी जीरो, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो उसके रेस्पेक्ट में भी यदि हम बात करें, हालांकि और भी कुछ रीजन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन केवल इस पॉइंट को लेकर भी हम बात करें तो इसीलिए जो है
वो कोई भी एटम का हम लोग कभी भी एटॉमिक रेडियस जो है केवल एटम का, एक एटम के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड आउट नहीं करते हैं, उसको मॉलिकुलर फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि दो एटम जब मिलता है और बॉन्ड बनाता है तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, एक मॉलिक्यूल फॉर्म्ड करता है, और उस फॉर्म में वो किसी ना किसी से बंध जाता है, ठीक है, तब यानी कि दूसरे एटम से बंध जाता है और उसका एक फिक्स जो है वो बॉन्ड लेंथ हो जाता है, जिससे हम लोग फिर उसको फाइंड आउट कर पाते हैं, और डिटेल में हम लोग उस चीज को देखेंगे, लेकिन कंसेप्चुअली हम क्या बोले कि एक एटम से उसका रेडियस निकाल पाना क्या हो जाता है, मुश्किल होता है, नहीं निकाल मेजरमेंट नहीं किया सकता, उसको मॉलिकुलर फॉर्म में ही हम लोग करते हैं, क्यों उसका रीजन भी बताएं, सारा चीज को हम लोग देखेंगे डिस्कस करते हुए लिखेंगे भी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम इस चीज को कि कंसेप्चुअली एटॉमिक रेडियस, ठीक है, कंसेप्चुअली एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियस हालांकि कहेंगे कि इसको, तो यदि आम बात यदि कहना पड़े आम बात लैंग्वेज में कि एटॉमिक रेडियस का किसको रहे, तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड, जो डिस्टेंस रहेगा न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक, उसी को हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं, कंसेप्चुअली ये बात हो गया। लेकिन यदि हम कहें कि क्या वो मेजर हो सकता है वहां से वहां, तो वो मेजर नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हैं, और अकॉर्डिंग टू स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन इवन इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी इवन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता है, यानी कि वो कितना भी दूर हो सकता है इनफाइनाइट, तो एक रेडियस हम एज्यूम नहीं कर पाते हैं, यही रीजन है। तो क्या हम बोले कि कंसेप्चुअली एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, ठीक है, कहां से, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, एंड ठीक है, एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इट इज नॉट, इसको हम लोग नहीं निकाल सकते इससे, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, ठीक है, नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, बात समझ में आया ये चीज, सारा कहानी जो हम बताना चाह रहे हैं आपको। उसके बाद अब क्या क्या डिफिकल्टीज है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ड्यू टू दिस डिफिकल्टीज, ठीक है, क्या क्या डिफिकल्टीज है आपके सामने जिसके कारण नहीं हो पाता है, तो पहला है एटम इज टू स्मॉल, ठीक है, एटम इज टू स्मॉल, काफी स्मॉल होता है एटम। दूसरा यदि हम बात करें, एटम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड, ठीक है, एटम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, ठीक है, बाउंड्री, क्या हम बोले, एटम का एक फिक्स्ड वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, ये किसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, जो बात अभी हम कहें आपसे, ठीक है। और तीसरा बात यदि हम कहें, तीसरा बात और इसको हम कह सकते हैं, अच्छा इसमें यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं, बिकॉज इसको ऐसा हम भी समझ सकते हैं कि एटम का वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो चीज, ठीक है, बिकॉज ऑफ
नो फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल, ठीक है, कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल नहीं है इसके कारण। और तीसरा, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होने के कारण ये कहीं भी पाया सकता है। वही बात कि व्हेन अ इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। वेव जो स्कॉन्डिगर वेव इक्वेशन के आधार पर जो हम बात कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सो वी विल, ठीक है, वी विल कैलकुलेट, ठीक है, वी विल कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट, ठीक है। इसीलिए जो हम है एटॉमिक रेडियस जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो हम लोग बॉन्डेड स्टेट में निकालते हैं, ठीक है, बॉन्डेड स्टेट में जब वो बॉन्डिंग बना लेता है तब, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो होता है उसका फिक्स हो जाता है, और यदि हम दो एटम का बीच का यदि बॉन्ड लेंथ को हाफ कर दे तो वही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस हो जाएगा, ठीक है, बॉन्डेड स्टेट। सो इट इज सिंपली, ठीक है, सिंपली हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो हम लोग सिंपली इसको क्या कह सकते हैं, इट इज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी दो एटम मान लेते हैं, ठीक है, ये अकेला था तो इसका तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब मान लेते हैं दोनों आपस में जुड़ गया, दोनों किसी कारण से क्या हो गया, जुड़ गए, ठीक है, बॉन्ड बना लिए, ठीक है, बॉन्ड बना लिए, इसको ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, ओवरलैपिंग करता हुआ ऐसा कुछ, ठीक है, जुड़ गए। तो अब इसका, अब ये पूरा डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, डी मान लेते हैं, ये पूरा यहां से यहां तक डिस्टेंस, तो इसका जो हाफ होगा वही क्या कहलाएगा, आपका एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। अब इसमें भी कई सारे क्या कह सकते हैं केस आपको देखने को मिलेंगे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और एक बात है कि नेचर ऑफ रेडियस, नेचर ऑफ रेडियस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग। आई बात समझ में, क्या हम बोले इस पॉइंट में कि रेडियस जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कि किस तरीके का बॉन्ड बना हुआ है उस चीज पे डिपेंड करेगा। आई बात समझ में, सारा चीज हम क्या बताना चाह रहे हैं, काफी छोटा होता है, उसका वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है, ठीक है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसी के कारण हम एक एटम का, पर्टिकुलर एटम का, उसका जो है केवल एटॉमिक फॉर्म में उसका रेडियस मेजर कर पाना मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग उसका जो है कैलकुलेट, सो वी विल कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट इन द बॉन्डेड स्टेट। ये ध्यान में रखना, हम किस फॉर्म में उसका हम लोग निकाल रहे हैं, बॉन्डेड स्टेट में हम लोग उसका एटॉमिक रेडियस निकालेंगे, ठीक है। सो इट इज सिंपली हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि दो एटम के बीच में जो कंप्लीट डिस्टेंस होगा, कहां से कहां तक, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक। अब ऐसा समझे कि एक कोई एटम है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, दूसरा भी एटम है उसमें भी इलेक्ट्रॉन भी होगा और प्रोटॉन भी होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन का नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि क्या होगा वो न्यूट्रल होता है। तो एक एटम और दूसरा वाला एटम जब आपस में आमने सामने आएगा तो जाहिर सी बात है कि इसके वाले इलेक्ट्रॉन का उसके वाले इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन होगा, और इसका वाला न्यूक्लियस से इसके वाले न्यूक्लियस के साथ भी क्या आपको मिलेगा, रिपल्सन मिलेगा, लेकिन पहले वाले इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो दूसरे वाले न्यूक्लियस के साथ मिलेगा। आई बात समझ में, ठीक है, क्या हम बताना चाह रहे हैं कि ये मान लेते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एटम दूसरा एटम है उसका न्यूक्लियस है ये और इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इसके बीच में क्या मिलेगा, रिपल्सन होगा, ठीक है, लेकिन इसके और इसके बीच का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम बात करें तो, और इसके इसके बीच का क्या होगा, आपका रिपल्सन, और इसके इसके बीच का क्या होगा, बेटा अट्रैक्शन होगा। तो ये कहने का मतलब है कि जब बॉन्ड तभी बनने को देखने को मिलता है जब अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो
वो डोमिनेंट फैक्टर हो रिपल्सिव फोर्स का। दोनों फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है दो एटम के बीच में, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स किसके किसके साथ है, तो इस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन का इस वाले एटम के न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, और इस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है इस वाले एटम के न्यूक्लियस के साथ, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स बात कर सकते हैं, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एटम का, और इस वाले न्यूक्लियस का इस वाले न्यूक्लियस के साथ। लेकिन बॉन्ड तभी बनने को दिखने को मिलता है अपने को जब जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेट कर जाए किस पे, रिपल्सिव फोर्स पे, तब एक जो है वो बॉन्ड बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जितना उस बॉन्ड का लेंथ होता है यानी जितना करीब आप आते हैं बॉन्ड बनने के बाद, उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जितना करीब आप आता है उतना बॉन्ड लेंथ कम होता है, जितना थोड़ा दूर से ही बॉन्ड यदि बना है तो वो बॉन्ड लेंथ उसका ज्यादा होता है। खास बात ये भी है कि एक जब बॉन्ड बन रहा है तो दो एटम जो है एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे ही आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि यदि मान लेते हैं कि ये जो दो एटम है वो इतना दूरी पे ही इसका बॉन्ड बन रहा है, क्यों, क्योंकि इतना दूरी पे ही जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेटिंग फैक्टर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। लेकिन यदि हम ज्यादा नजदीक इसको हम लाना चाहेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है फिर वो बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन तो रहेगा ही, खत्म थोड़ी होगा। तो कुछ समय के बाद यदि हम दोनों को और ज्यादा सामने लाएंगे यदि, तो फिर रिपल्सिव फोर्स जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर आपका बन जाएगा, और यहाँ पे कह सकते हैं कि फिर वो बॉन्ड जो होगा वो अनस्टेबल होगा, यानी एक फिक्स्ड लेंथ पे ही दोनों जो एटम होंगे उनमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा और वो स्टेबल कहलाएगा। आई बात समझ में इसे, और जो उसका हाफ होगा बॉन्ड, मान लेते हैं इतना दूर उनका बॉन्ड बना हुआ है, तो जो हाफ डिस्टेंस होगा बेसिकली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो आधा डिस्टेंस होगा, जो भी डिस्टेंस होगा उसका हाफ ही कहलाएगा व्हाट, एटॉमिक रेडियस, इज दैट क्लियर, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस कहेंगे। अब क्या बोला है कि नेचर ऑफ रेडियस डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, किस तरीके का जो बॉन्डिंग है उस पे जो है वो डिपेंड करेगा उसका एटॉमिक रेडियस, सही भी बात है। अब ये बात कहना क्या चाह रहा है, इसको हम लोग तभी क्लियर हो पाएगा जब बॉन्ड जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग हम लोग देखेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ एक तरह से एटॉमिक रेडियस ये देखेंगे, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस में ही वो चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है। वैसे बेसिकली तीन ही टाइप है एटॉमिक रेडियस के, लेकिन चौथा भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, हालांकि वो आयोनिक रेडियस है, तब जब एटम्स को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं आयन्स में, तो उस आयन का जब हम लोग रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। लेकिन चार रेडियस के बारे में अपने को जानना है, ठीक है, जिसमें तीन एटॉमिक रेडियस हो गए और एक आयोनिक रेडियस है, तो चारों टाइप जो है हम यहीं पे आपका लिख देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, पहला लिखेंगे कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस जिसको हम लोग सी आर के नाम से जानेंगे, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, सी आर, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस। दूसरा जो है आपका वो हो जाएगा वान डर वाल रेडियस, ठीक है, जो हम लोग डब्ल्यू आर के नाम से जानेंगे। तीसरा हो जाएगा मेटालिक रेडियस, जिसको हम लोग एम आर के नाम से जानेंगे। और चौथा, ठीक है, जो कि आयोनिक रेडियस होगा, ठीक, ये तीनों बेसिकली क्या है, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, जिसको हम लोग आई आर के नाम से जानेंगे। आ रहा बात समझ में, क्लियर है, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इतना पढ़ना है अपने को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस के बारे में, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कोवेलेंट रेडियस दैट इज सी आर के बारे में, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस। अब यदि इसको डिफाइन करना हो क्या होता है कोवेलेंट रेडियस, तो क्या कहेंगे हम लोग कि इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, हाफ ऑफ न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, टू एटम्स बॉन्डेड बाय
एटम्स बॉन्डेड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, दो एटम्स जब बॉन्डेड होंगे सिंगल कोवलेंट, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का हम बात कर रहे हैं। वैसे आप 10th में ही पढ़े होंगे कि कोवलेंट बॉन्ड भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल, तीन तरीके बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये चीज देखे होंगे। लेकिन कोवलेंट रेडियस फिलहाल अभी हम डिफाइन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये कोई एटम है ए, ठीक है, ठीक आ रहा बात समझ में, ये कोई एटम है ए, मान लेते हैं कि ये ए है, ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से ये दूसरा एटम हो गया, वो भी क्या है ए है, वो भी क्या है सेम नेचर का ए है, और ये हम दिखा रहे हैं इनका ओवरलैपिंग। ठीक है, अब बात ये होगा सर इस तरीके से दिखाने का क्या रीजन है, तो एटम्स जब भी फॉर्म करेंगे मॉलिक्यूल में तो उनके एटम का जो ऑर्बिटल होता है उनका ओवरलैप होता है, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल सॉरी एटॉमिक ओवरलैपिंग कहलाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कहलाता है। उसी चीज को हम दिखाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा देखा जाता है, हालांकि ये चीज बॉन्डिंग का है, तो वहां जब आएगा तो उस चीज को भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन जब यहाँ आ रहा है तो कम से कम नाम सुन करके इंट्रोड्यूस करवाना मेरा काम बनता है। आ रहा बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका ओवरलैपिंग देखने को मिल रहा है, और ये यहां से यहां तक इनका क्या हो गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच का क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, और यही वाला क्या कहलाएगा आपका यदि हम बात करें, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ये तो डी हो गया, डी ऑफ ए ए, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए। ठीक आ रहा बात समझ में, यानी कि यदि हम बात करें सी आर रेडियस ऑफ ए, सी आर रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी ए ए अपॉन क्या हो जाएगा टू, ठीक है, डी ए ए अपॉन क्या हो जाएगा टू, क्यों, क्योंकि ये तो पूरा डिस्टेंस हो गया, हम लोग डेफिनेशन में ही पढ़े हैं इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, डी ए ए बेसिकली व्हाट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए, इज दैट क्लियर, और जस्ट हाफ क्या हो गया इसका कोवलेंट रेडियस। आई बात समझ में, और ये क्या है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये हम क्या बताना चाह रहे हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आ रहा बात समझ में, जो कि हम लोग बॉन्डिंग में देखेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, और ठीक है, अब ये जो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट रेडियस है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे, दिस इज सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट रेडियस, ठीक है, दिस इज सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट रेडियस, उसी के नीचे आप लिखेंगे दिस इज सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट रेडियस, ये क्या है सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट रेडियस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे सी बी सी आर, क्या बोलेंगे सॉरी एस एस बी सी आर, सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट रेडियस एस बी सी आर के भी नाम से हम लोग इसको जानेंगे। आई बात समझ में, और ये जो होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है, दो तरीके का देखने को मिलेगा सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट रेडियस, एक को कहते हैं होमो एटॉमिक, ठीक है, होमो एटॉमिक, जिसका कहने का मतलब है जो सेम एटम से मिलकर के बनेगा, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया होमो एटॉमिक, ए और ए सेम एटम से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक, ठीक है, हेट्रो एटॉमिक, और ये क्या होता है डिफरेंट एटम से मिलकर के बनता है, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है डिफरेंट एटम पाया जाता है। आ रहा बात समझ में, क्लियर है, तो यही बेसिकली दो तरीके के हैं। अब इसको भी हम लोग देखेंगे, ए वाला जो पहला था, ठीक है, ए वाला पहला कौन सा था होमो एटॉमिक, ठीक है, होमो एटॉमिक, और होमो एटॉमिक में क्या है ए और ए, ठीक है, क्या है ए और ए, तो वही वाला बेसिकली है, लेकिन फिर से हम एक बार आपके सामने लिखते हैं ये हो जा रहा है ए
और ये भी हो जा रहा है ए, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव न्यूक्लियस और ये ओवरलैपिंग का पार्ट, ठीक है, और ये जो है आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, बेसिकली यही आपका क्या है डी ए ए, आई बात समझ में, यही आपका क्या है बेटा डी ए ए, ठीक। और आर ए, यदि हम रेडियस ऑफ ए बात करें तो डी ए ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, डी ए ए और क्या हो जाएगा, ये टू, ठीक है। और एक बात यहाँ ध्यान में रखना है आपको कि ये जो डी ए ए है, यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, यही आपका क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ। जाहिर सी बात है दो एटम के बीच का जो लेंथ होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है सारा चीज। अब यदि हम दूसरा बात करें बी वाला, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रो एटॉमिक, ठीक है, हेट्रो एटॉमिक मतलब कि क्या हो गया, ए बी, ठीक है, ए और बी दो डिफरेंट एटम्स होंगे, ये क्या हो गया आपका ए ए। अब मान लेते हैं कि एक एटम जो है ये वाला है आपका ए, ठीक है, ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं क्या है आपका बी, ठीक है, ये ओवरलैपिंग वाला पॉइंट और ये आपका हो गया ए और ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं बी, ठीक है, तो ये वाला जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है, ठीक है, इतना पार्ट है वो बेसिकली आपका कहलाएगा आर ए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आर ए, और जो ये वाला पार्ट है वो आपका क्या कहलाएगा आर बी, इज दैट क्लियर। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आर ए, रेडियस ऑफ ए, एंड ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा रेडियस ऑफ बी। अब इसमें जो है वो दो केस देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें जो है वो दो केस देखने को मिलता है, कौन सा दो केस है देखते हैं। ठीक है, इसमें अपने को क्या मिलता है, दो केस देखने को मिलता है, पहला फर्स्ट वाला हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पहला बात कर रहे हैं, क्लियर है, दो अलग अलग डिफरेंट एटम हो गए, दो सेम एटम हो गए, तो पहला वाला कहता है व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इज सेम, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ, इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बेटा ई एन के नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू हम लोग पढ़े थे ना बेसिक केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा, या आपको पहले से भी आइडिया होगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में और उसका वैल्यू कितना होता है, फोर। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस एटम का, उस एलिमेंट के एटम का वो पावर होता है, वो क्षमता होता है, वो एबिलिटी होता है कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ खींचे, ठीक है, बात समझ में आया, पुल करे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम समझाएं, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं आपके लिए, तो मान लेते हैं कि ये एफ है और ये एच है, एफ और एच के बीच में बॉन्ड है एच एफ, ठीक है, एच और एफ के बीच में क्या है ये बॉन्ड बना हुआ है, तो दोनों का क्या होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एफ इज ग्रेटर देन एच है, तो ये क्या करता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, थोड़ा सा पुल करेगा, जिसके कारण फ्लोरीन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है, जिस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव का मतलब होता है पार्शियली चार्ज का दिखना वहां पे, ठीक है, कंप्लीट नहीं दिखा सकते, कंप्लीट तब दिखाएंगे जब ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तब, इज दैट क्लियर, आई बात समझ में। तो बेसिकली क्या हम बता रहे हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम रहेगा, दोनों एटम हम ले और दोनों एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि सेम रहता है तब तब क्या होगा, ठीक है, दो डिफरेंट यदि एटम ले रहे हैं तो। बात समझ में आई क्या हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। तो क्या बोले, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इज, ऑफ एटम, ठीक है, इज सेम, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम क्या रहे सेम रहे तब, तो इस कंडीशन में जो है डी ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर बी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर बी, क्लियर है, दोनों का ऐड कर देंगे वही डिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन दूसरा कहता है व्हेन व्हेन ई एन,
ऑफ एटम्स, ठीक है, व्हेन ईएम ऑफ एटम्स इज डिफरेंट, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम्स का क्या रहे, डिफरेंट रहे, तब उस कंडीशन में आपके लिए डी ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, डी ए बी जो आएगा वो आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9, ठीक है, चाई ए माइनस चाई बी, इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं चाई, सी एच आई, ये क्या है बेसिकली एक्स टाइप हम लोग लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा चाई, ऐसे इसको बोलेंगे, आप एक्स भी बोलेंगे तो चलेगा, इतना ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, बस आपको ध्यान में रखना है ये फॉर्मूला। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, तो इस फॉर्मूले से हम लोग करते हैं डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9, ठीक है, इंटू चाई ए माइनस चाई बी, बस बात ध्यान में रखना है कि इसको मॉड में लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं, यानी बड़े वाले वैल्यू को छोटे वाले वैल्यू से आपको क्या करना है, माइनस करना है, ऐसा नहीं कि छोटे वाले वैल्यू से कर देंगे बड़े वाले को माइनस, ऐसा नहीं करना है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे, इसको किस में लेंगे, मॉड में, टेक मॉड, मॉड ऐसा भी लिख देते हैं, ठीक है, देखेंगे ये कहीं कट नहीं रहा हो, ठीक है, टेक मॉड, ये भी बात ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा क्लियर है, आ रहा बात समझ में, ठीक, और इसी को, और ये वाला जो इक्वेशन है इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टेवेंसन, साइंटिस्ट का नाम है स्टेवेंसन एंड एंड सोमेकर, SCHOMAKER, ठीक है, स्टेवेंसन एंड सोमेकर इक्वेशन इसको कहा जाता है, साइंटिस्ट के नाम पे, आ रहा बात समझ में, ये चीज क्लियर है, तो ये इक्वेशन भी ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछ देता है स्टेवेंसन एंड सोमेकर जो इक्वेशन है वो कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेवेंसन एंड सोमेकर इक्वेशन, इज दैट क्लियर, आई बात समझ में, अब इसमें देखेंगे कि कौन क्या क्या है, तो जो, ठीक है, आर ए बेसिकली क्या हो गया, रेडियस ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ ए, ठीक है, या फिर ऐसा भी लिखेंगे सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस ऑफ ए, कोवलेंट रेडियस ऑफ ए, ठीक है, और आर बी क्या हो जाएगा आपका, सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस ऑफ बी, ठीक, ये क्लियर हो गया, चाई ए, बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए, ठीक है, और चाई बी बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी, आ बात समझ में, ये चीज क्लियर है, सारा कुछ आपका लिख दिए हैं, बस क्या करना है, पुट कर देना है, ठीक, अब आगे यदि हम बढ़े इसका तो देखेंगे, इसको मिटाते हैं, ठीक है, आगे यदि हम देखें थोड़ा सा, सिंगल बॉन्डेड हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड, तो एग्जाम्पल भी हम देते हैं, जैसे कि ये आपका अल्केन, अल्केन ऑर्गेनिक में इस्तेमाल होगा, अल्केन अल्केन अल्काइन काफी इंपॉर्टेंट है, और आप 10th में पढ़े भी होंगे अल्केन अल्केन अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ठीक है, उसके नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज उसका कौन सा मेंबर होगा, क्या उसका उसका पुट कितना करेंगे, हाइड्रोजन तो कितना उसका कार्बन होगा, ऐसा ऐसा करके आता है, प्रॉपर्टीज इनका क्या है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक, तो इसमें यदि हम बात करें अल्केन, तो ये क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अल्केन क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है आपका सिंगल बॉन्ड है, और बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, और यदि पिकोमीटर में लिखे तो 154 PM होता है, आ रहा बात समझ में, और यदि ये सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस हो गया, ठीक है, सॉरी, ये सिंगल बॉन्ड कोवलेंट जो बॉन्ड है दोनों के बीच का, यानी डी ए ए बेसिकली ये हो गया, ये रेडियस नहीं हुआ, ये क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन दिस कार्बन टू दिस कार्बन, डी ए ए बेसिकली ये चीज हो गया, अल्किन का बात करें हम, अल्किन का बात करें तो ये कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है, और इनका यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 1.34, ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग, क्लियर है, आ रहा बात समझ में, और यदि हम बात करें अल्काइन का,
अल्काइन का, तो ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और ये देखने को मिलेगा, ठीक है, दैट इज 1.2, ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग ये देखने को मिलता है। तो ये इनका क्या होगा, बेसिकली बॉन्ड लेंथ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यदि हम इसी का रेडियस बात करें, क्योंकि दोनों ए क्या है, दोनों इक्वल है, सेम है, पहला वाला आ गया, क्लियर है, आ रहा बात समझ में, दोनों का ए, ये दोनों क्या है, होमो एटॉमिक हो गए, दोनों क्या हो गए, होमो एटॉमिक हो गए। और जनरली हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, और ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम है, जस्ट हाफ कर देंगे, ठीक है। तो यदि हम बात करें आर, रेडियस ऑफ सी, ठीक है, और ये क्या, रेडियस ऑफ कार्बन, ये क्या, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, हम ये पिकोमीटर में लेकर के चल रहे हैं, किसमें लेकर के चल रहे हैं बेटा, पिकोमीटर में लेकर के चल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, 77 पिकोमीटर देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम क्या करें, आर सी, और ये क्या बोले हैं, डबल बॉन्डेड बॉन्डेड कार्बन की यदि बात करें, तो कितना हो जाएगा, 134/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6, सॉरी 26 जा और 7 पिकोमीटर, 67 पिकोमीटर। और वहीं हम देखें यहाँ पे आगे, तो आर सी ट्रिपल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड ऑफ कार्बन की बात करें, तो कितना हो जाएगा, 1.20/2 अपॉन क्या हो जाएगा, ये हम लोग लिख सकते हैं, 60 पिकोमीटर। यानी ये बात समझ में आया कि जिसका सिंगल बॉन्डेड होगा उसका क्या रहेगा, सिंगल बॉन्डेड यदि है, सेम एटम है, तो उसका बॉन्ड लेंथ जो होगा वो ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा जाहिर सी बात है वो तो ज्यादा ही होगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम हुआ और कम हो गया, यानी कि जितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे उतना ही उनका बॉन्ड लेंथ क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, क्या बोलते हैं, दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर भी पढ़ना है, बॉन्डिंग का चीज है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं इनऑर्गेनिक में कई सारे चीजें आगे पीछे चलती रहती है, ठीक है, वो चीज आ रहा है तो हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते चल रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सिंपल, दो एटम के बीच में जितना बॉन्ड नजर आ रहा है वही बॉन्ड ऑर्डर है, दो बॉन्ड नजर आ रहा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो इसके बॉन्ड ऑर्डर 3, 4 सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, S1। तो हम ये BO का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्लियर है। और यहाँ BO जो है, BO जो है वो 1 होगा, इसका BO जो हो जाएगा 2 होगा, और इसका BO जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं ओवरऑल कि बॉन्ड लेंथ जो है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली हो जा रहा है किससे, बॉन्ड ऑर्डर से। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ है उतना ही कम बॉन्ड ऑर्डर है, जितना कम बॉन्ड लेंथ है उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है। आ रहा बात समझ में, तो हम इसको ये भी लिख देते हैं एक चीज पॉइंट यहाँ पे आपके लिए, कि क्या बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली टू क्या हो जा रहा है, बॉन्ड लेंथ, क्लियर है, हाई बात समझ में, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, दो एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं वही क्या है आपके लिए, बॉन्ड ऑर्डर है। अब आगे देखें एक आध क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड, किस तरीके से छोटा मोटा क्वेश्चन कर सकता है इसमें। ठीक है, जैसे आपसे बोले सिंगल बॉन्डेड रेडियस, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस ऑफ, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस ऑफ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए, ठीक है, ए एंड बी आर 130 पिकोमीटर एंड 70 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, क्या 130 ए का दिया हुआ है, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, और बी का कितना दिया हुआ है आपका, 130 पिकोमीटर, ठीक है, क्या बोलता है, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ए ए, ठीक है, पहला बोलता है कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ ए ए, ए डिस्टेंस आपको निकालना है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, कैलकुलेट
डी ए ए इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े थे, सिंपल सा पढ़े थे, सॉरी रेडियस पढ़े थे ना, आर ए, ठीक है, क्या पढ़े थे, आर ए, आर ए इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, डी ए ए अपॉन टू, तो डी ए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू इंटू आर ए, तो आर ए कितना दिया हो बेटा, 130, यानी 130 इंटू टू यानी 260 पिकोमीटर, ये हो गया। अब मान लेते हैं इसमें ये पूछे थे दूसरा, कैलकुलेट कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ बी बी, ठीक है, बी बी का निकालने बोल दे, तो हम क्या करेंगे, डी बी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर बी इंटू टू, यानी कि आर बी कितना दिया हुआ है, 70 इंटू टू यानी 140 पिकोमीटर। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको देखने को, ठीक। और उसी में यदि बोल दे एक और, ठीक है, थ्री लिख देते हैं हम क्या, कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम देन, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, मान रहा है कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, देन देन डी ए बी क्या होगा, तब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो क्या होता है, आर ए प्लस आर बी, सिंपल सा है, तो डी ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए प्लस आर बी, इसका मतलब हो गया कि 130 और प्लस 70 इज इक्वल टू 200 पिकोमीटर। तो इस तरीके से थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा, ये सब तो एकदम छोटा सा चीज है लेकिन बेसिक है, लेकिन क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो किसी भी चीज को ना छोड़ते हुए एक चीज आप देख रहे हैं, सारा चीज आपका बोर्ड पे आ रहा है, इसी तरीके से एकदम नोट्स बनाना है, एक एक चीज को एक एक पॉइंट को लिखना है और साथ ही साथ रिविजन भी करते चलना है, ठीक है, नोट करें इसको। जो कहानी रहा वो कहाँ तक रहा, केवल और केवल आपका जो कोवेलेंट रेडियस है उसका रहा, ठीक है, सारा केसेस हम लोग देख लिए किस तरीके से होता है, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं वंडर वॉल रेडियस के बारे में, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, वंडर वॉल रेडियस के बारे में। तो बेसिकली अभी तक अभी वाला जो हम लोग बॉन्ड देखे, यानी कि कोवेलेंट रेडियस जो देखे, उसमें बॉन्ड क्या बन रहा था, एक जो एटम है वो दूसरे पे ओवरलैप कर रहा था, ठीक है, ये चीज है, लेकिन वो क्या फॉर्म कर रहे थे, वो बेसिकली मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे थे, ठीक, लेकिन जब दो एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बन गया, और ठीक है, और भी उसी प्रकार का मॉलिक्यूल है, दो एटम मिल करके और मॉलिक्यूल बने, और एक कंटेनर में मान लेते हैं बहुत सारे उस प्रकार के मॉलिक्यूल अंदर में है, ठीक है, जो हम लोग एक देख रहे थे, बहुत सारे हैं, तो उनके बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, काफी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को हम लोग वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, यानी दो एटम के बीच में तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया जो अभी हम देखे, ठीक है, अब दो एटम का एक मॉलिक्यूल बना और दो एटम का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, उनके बीच में कोवेलेंट रेडियस, इसके बीच में भी कोवेलेंट रेडियस, लेकिन ये दो मॉलिक्यूल के बीच में यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो उसी को हम लोग वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, और ये जो वंडर वॉल रेडियस जो होगा, यानी कि दो इस प्रकार के मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन होगा और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा, उसी को वंडर वॉल रेडियस कहेंगे, और ये अट्रैक्शन जो होता है वो काफी वीक होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अट्रैक्शन काफी वीक होता है, इसीलिए वंडर वॉल रेडियस जो होता है वो काफी बड़ा होता है, क्योंकि अट्रैक्शन वीक होगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा नजदीक वो मॉलिक्यूल नहीं जाएंगे, यानी कि दूर रहेंगे, और दूर रहेंगे तो बॉन्ड लेंथ उनका एक तरह से कह सकते हैं कि जो लेंथ होगा दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, वो काफी ज्यादा होगा, और रेडियस भी होगा, वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, दूसरा वंडर वॉल रेडियस के बारे में, ठीक है, दूसरा, वंडर वॉल रेडियस, वी आर जो हम लिखे थे, ठीक है, वी आर,
वंडरवॉल रेडियस। तो मान लेते हैं हम इस प्रकार से, ठीक है, ये हम एक अच्छा सा ड्राइंग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। ये ऐसा, ये कहने का मतलब ये ए वाला पार्ट है, ठीक है, ये ऐसा, इनका ओवरलैपिंग हम दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये ऐसा, याद आ रहा है, ये वाला पार्ट ओवरलैपिंग वाला पार्ट हो गया, ये ए है और ये बी, जो बड़ा वाला, ये ए है और ये बी, इज दैट क्लियर, आया बात समझ में। और इसका यदि हम बात करें तो बीच का जो पॉइंट होगा, यानी कि ये वाला पाथ हम, ये हम किसको बोल रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में, और ये इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, बी, उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका, बी, और ये क्या हो जाएगा आपका, ए, ये क्या हो जाएगा आपका, ए, और ये क्या हो जाएगा आपका, बी। ये मॉलिक्यूल है, क्या है, ए और बी मिलकर के बने थे वो एक कंटेनर में, मतलब कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं ए बी के उस कंटेनर में, तो उनके बीच में यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है और तो उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज कॉल्ड वंडर वॉल, जो बॉन्ड रहेगा, और रेडियस को क्या बोलेंगे हम लोग, वंडर वॉल रेडियस के नाम से जानेंगे। तो यदि इसका बात करें, बी और बी का बात करें, ठीक है, तो ये वाला बेसिकली जो होगा ये क्या कहलाएगा आपका, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, ये, ठीक है, डी बी बी, ये डिस्टेंस ऑफ बी बी कहलाएगा, ठीक है। और ये वाला यदि हम बात करें, ठीक है, ये वाला यदि हम बात करें तो क्या कहलाएगा, ये डी ए ए कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, डी ए ए कहलाएगा। और यदि हम वंडर वॉल रेडियस के बारे में बात करें, यानी आर ऑफ बी के बारे में बात करें, और ये क्या रहेगा, वंडर वॉल रेडियस रहेगा, वी आर, ठीक है, वी आर, तो ये क्या हो जाएगा, डी बी बी अपॉन टू, आ रहा बात समझ में। उसी प्रकार से यदि हम इसका बात करें तो वंडर वॉल रेडियस विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, ए, ठीक है, ये वी आर, और ये हो जाएगा डी ए ए अपॉन क्या हो जाएगा, टू, ये देखने को मिलेगा। कहानी समझ में आई, ये मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, और दोनों के बीच में क्या है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे हुए हैं, काफी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उन्हीं दोनों का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो बॉन्ड लेंथ एक तरह से कह सकते हैं इसका हम, और ये आपका क्या कहलाएगा, वंडर वॉल रेडियस कहलाता है। आई बात समझ में ये, और खास बात है काफी वीक होता है ये जो अट्रैक्शन होता है इनका, वो काफी वीक होता है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे इसके बारे में, जो इसका डेफिनेशन रहेगा, डिफाइंड कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम इन टू नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट। खास बात है कि ये हम सॉलिड स्टेट में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, दो नियरेस्ट नेबरिंग जो मॉलिक्यूल होगा उनका क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, ठीक है, जो एडजेसेंट एटम होंगे अगल बगल वाले उनका यदि हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस होगा उसी का हाफ ऑफ का क्या कहलाएगा, वंडर वॉल रेडियस कहलाएगा, ठीक है, आया बात समझ में। अब इसमें क्या है, इसमें और चीज हम लिख सकते हैं कि वंडर वॉल रेडियस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, या नोट के तौर पे भी आप लिख सकते हैं, क्या नोट के तौर पे है कि, ठीक है, वंडर वॉल रेडियस इज नॉट एप्लीकेबल
फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि मेटल्स के लिए एक अलग हम लोग रेडियस डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटलिक रेडियस, जो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं। आई बात समझ में? सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन, इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स, एटम्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। ये बात को अच्छे से समझना है। क्या बोलता है कि इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द पैकिंग ऑफ एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट। अब आप यदि पीरियोडिक टेबल आप खरीद करके लाए होंगे, अपने स्टडी टेबल पे लगाए होंगे, या फिर आप लाएंगे और लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसी से मेमोराइज होता है थोड़ा जल्दी से। यदि आप बढ़िया वाला पीरियोडिक टेबल लाएंगे तो एटम के नीचे में, यानी वो सिंबल तो दिया रहेगा और जस्ट उसके नीचे में लिखेगा CPP, ठीक है, सॉरी BCC, ठीक है, HCP, इस तरीके से लिखा हुआ नजर आएगा। यानी कि BCC क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बॉडी क्लोज्ड, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, ठीक है। उसके बाद यदि HCP तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, प्रिमिटिव सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कहने का मतलब है ये जो अभी हम टर्मोलॉजी आपके सामने बोले, नाम बोले, तो एक तरह से पैकिंग जो है ना, किस तरीके का एटम का अरेंजमेंट होगा, वो पैकिंग का बात हो रहा है। अब ये क्या पैकिंग, ये क्या एटम्स हम बोल रहे हैं, तो उस चीज को समझना। कि हम लोग जानते हैं कि जो कुछ भी जो है वो दो फॉर्म में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक तो अमॉर्फस फॉर्म और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, एक अमॉर्फस फॉर्म और दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये चीज भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। एलोट्रॉपिक फॉर्म जो होता है कार्बन का, वो दो फॉर्म हो जाता है, एक तो एलोट्रॉप्स कौन कौन से हो जाते हैं, ग्रेफाइट हो जाते हैं, डायमंड हो जाते हैं, तो वो कौन सा फॉर्म में आ जाता है, यस क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है। और बाकी जो आ जाते हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गए और एक्सेट्रा, उस तरीके के जो मटेरियल हो गए, वो क्या हो जाते हैं, अमॉर्फस फॉर्म हो जाते हैं। तो बेसिकली अमॉर्फस फॉर्म और जो आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म का डिफरेंस जो होता है वो यही होता है कि अमॉर्फस फॉर्म में जो रहता है वो एटम्स का या मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो एक पैटर्न वे में नहीं होता है, वो जैसे तैसे होता है, ठीक है, मतलब कि डॉट डॉट, मतलब कि एक तरह से एक पैटर्न वे में नहीं रहते हैं, जिधर चाहे उधर वो एटम्स अरेंज रहते हैं, ठीक है, चाहे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, उस तरीके का। लेकिन यदि हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करें, क्रिस्टलाइन फॉर्म की यदि हम बात करें, तो वो जो फॉर्म होता है उसमें जो एटम्स रहते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पैटर्न वे में अरेंज्ड होते हैं और रिपीटेड होते हैं, उनका पैटर्न जो है वो रिपीट होता है। कहने का मतलब वो होता है, एटम्स का अरेंजमेंट जो होता है वो रिपीट होता है, जिसके कारण उनमें काफी मजबूती मजबूती आती है और एक तरह का एक कह सकते हैं क्लासिफाइड एक स्ट्रक्चर निकल करके आता है, जो कि कहाँ पे आपको स्टडी करने को मिलता है, सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर है क्लास 12th में, उसमें, ठीक है। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो सॉलिड स्टेट बात हो रहा है, तो वो क्या बोलता है कि इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन पैकिंग ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो वंडरवॉल रेडियस का हम बात कर रहे हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो उसके पैकिंग पे, यानी कि एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है। ये तो फिक्स है कि वो एटम का एक अरेंजमेंट एक पैटर्न वे में होगा, ठीक है, एक पैटर्न वे में होगा, अमॉर्फस का नहीं, अमॉर्फस का तो कोई पैटर्न ही नहीं, लेकिन इसका कोई ना कोई जो होगा वो एक पैटर्न वे में होगा, ठीक है, और बार बार रिपीट करेगा। तो कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम आपके सामने बताएं, सिंपल क्यूबिक यूनिट, सिंपल क्यूबिक, ठीक है, साथ ही साथ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया, साथ ही साथ हम क्या बोले, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब बॉडी सेंटर्ड पैकिंग हो गया। तो इस टाइप के पैकिंग जो है वो देखे जाते हैं सॉलिड स्टेट में। अब ये क्या है वो अलग बात है, लेकिन मेरे कहने का क्या मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैकिंग मिलते हैं, यानी एटम्स के अरेंजमेंट मिलते हैं एक सॉलिड के अंदर, ठीक है। जैसे ये भी मार्कर क्या है, सॉलिड में है, तो इसके जो एटम होंगे वो अरेंजमेंट होगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये अमॉर्फस हो गया, ठीक है, यानी कि एक पैटर्न वे में नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम बात कर लें कोई दूसरा, बात कर ले, यदि हम डायमंड ही ले लें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो डायमंड में क्या मिलेगा, एक पैटर्न वे मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन है। आ रहा बात समझ में? या फिर कुछ एलिमेंट्स का यदि हम बात कर लें, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, तो उसका आप देखते होंगे नीचे स्ट्रक्चर लिखा हुआ रहता है,
वो भी जो होंगे उनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, एक पैटर्न वे में अरेंजमेंट होंगे, अरेंजमेंट उनका होगा। तो वही बात कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पैकिंग पे, किस तरीके का पैकिंग है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का उसके अंदर, ठीक है, इस चीज पे डिपेंड करता है। और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और क्या हम लिख रहे हैं, चूंकि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इज वीक फोर्स, ठीक है, इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्यों, क्योंकि इसमें कोई ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम ओवरलैपिंग दिखाए और बी के बीच में ये, लेकिन इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, दूर दूर से बस थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण ये काफी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। हेंस हेंस वंडरवॉल रेडियस इज स्मॉलर स्मॉलर सॉरी वंडरवॉल रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, वंडरवॉल रेडियस क्या हो जाएगा, ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस से ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। आ रहा बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और यदि अब हम तीसरा वाला यदि हम बात करें, कौन सा, मेटेलिक रेडियस, ठीक है, मेटेलिक रेडियस जिसको हम लोग MR के नाम से जानते हैं। अब मेटेलिक रेडियस क्या है कि कोई भी एक मेटल है, ठीक है, अब मेटल है, मान लेते हैं आयरन ही मेटल, ठीक है, मान लेते हैं आयरन का ही मेटल है, Fe मेटल है, कॉपर मेटल है, कुछ भी, तो वो किससे बना हुआ होगा, उसके छोटे पार्टिकल्स कौन से होंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होगा, आयरन का ही एटम एटम होगा, या फिर यदि कह सकते हैं कॉपर का, यदि हम कोई स्ट्रिप लिए हुए हैं तो किससे बना हुआ होगा, कॉपर के एटम से मिलकर के बना हुआ होगा। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, क्या होता है एक्चुअल में, कि ये मान लेते हैं कोई एलिमेंट है, कोई मेटल है, तो उसके अंदर में स्मॉल स्मॉल जो है वो एटम देखते हैं, अपने को क्या मिलते हैं, स्मॉल स्मॉल एटम जो है वो दिखते हुए मिलते हैं, ठीक है, नेकेड आई से तो नहीं मिलता है। आ रहा बात समझ, मेरे कहने का मतलब है कि एटम ऑफ जो भी एलिमेंट हम लिए, जो भी मेटल लिए हैं उसके, ठीक है, आ रहा बात समझ में। और खास बात यह है कि इन एटम्स के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होता है, जैसे कि ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे हम आपको बताएं, कोवेलेंट रेडियस में, कहाँ पे बताएं, कोवेलेंट रेडियस में, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है उनमें ओवरलैपिंग होता है, एक का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर में आता है, ओवरलैप करता है कुछ पार्ट, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट और अच्छे से हम लोग आगे सीखेंगे बॉन्डिंग में, लेकिन ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक जो पार्ट रहता है उसका कुछ पार्ट एक दूसरे के ऊपर आना, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि एक एटम का ऑर्बिटल जो होगा वो दूसरे वाले ऑर्बिटल पे क्या करेगा, ओवरलैप करता है, ठीक है। अब उसके भी कई टाइप होते हैं ओवरलैपिंग का, वो अलग बात। तो कहने का मतलब है कि जो ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे आपका आएगा, कोवेलेंट रेडियस में, मेटेलिक रेडियस में नहीं। मेटेलिक रेडियस में वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ओवरलैपिंग होता, ओवरलैपिंग नहीं होता है, यहाँ एक एटम जो है वो दूसरे एटम से, हाँ, एकदम नियर होते हैं, एकदम नजदीक होते हैं, एक एटम दूसरे एटम से एकदम चिपके हुए रहते हैं, सटे हुए रहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा मेटेलिक रेडियस क्या होगा, यदि हम इसको और इसको दो एटम को पॉइंट करें और इनका जो डी है डिस्टेंस हो जाएगा आपका, ठीक है, और जस्ट हाफ करेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस कहलाएगा। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस। और यदि हम कहें, ठीक है, और ध्यान में रखना है कि नो एटॉमिक ओवरलैपिंग, यहां हम क्या लिख दे रहे हैं, नो एटॉमिक ओवरलैपिंग, यहाँ किसी भी तरीके का एटॉमिक ओवरलैपिंग नहीं देखा जाता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखेंगे आप। अब यहां से यदि हम लिखें, इसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ए, ठीक है, क्या कंसिडर कर रहे हैं, ए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि आर ए, ठीक है, रेडियस ऑफ ए, और ये क्या है, मेटेलिक रेडियस देख रहे हैं, इज इक्वल टू डी बाय टू, क्या हो जाएगा आपका, डी बाय टू देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है, क्लियर है हम क्या बताना चाह रहे हैं, इसमें कोई भी ओवरलैपिंग आपको देखने को नहीं मिलता है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज, ये आपका मेटेलिक रेडियस का है, ध्यान रखें,
इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, नियरेस्ट एटम, ठीक है, टू नियरेस्ट एटम्स इन क्लोजली पैक्ड मेटेलिक लैटिस, ठीक है, इन क्लोजली पैक्ड मेटेलिक मेटेलिक लैटिस, ठीक है, लैटिस यानी कि जो सॉलिड जो क्रिस्टल रहता है एक तरह से, उसी को हम लोग लैटिस भी कहते हैं। इसके बारे में भी आगे हम लोग और देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या बोले हम लोग, क्लोजली पैक्ड मेटेलिक लैटिस, ठीक, क्लियर है। अब फॉर सेम एलिमेंट यदि हम बात करें यहां पे, फॉर सेम एलिमेंट जनरलाइजेशन हम लिख रहे हैं, फॉर सेम एलिमेंट सबसे छोटा जो देखा जाएगा, सॉरी हाँ, सबसे जो आपका छोटा देखा जाएगा रेडियस, वो कौन सा रहेगा, कोवलेंट रेडियस रहेगा। देन उसके बाद बड़ा और रेडियस कौन सा मिलेगा आपका, मेटेलिक रेडियस होता है। इसमें सबसे छोटा क्यों, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग होता है तो और छोटा है, ओवरलैपिंग नहीं है तो बड़ा, और इससे भी ज्यादा क्या मिलेगा, वंडरवॉल रेडियस देखने को मिलता है। तो ये एकदम दिमाग में बैठा लेना, ओवरऑल यही आपका रिजल्ट निकल करके आ रहा है कि वंडरवॉल रेडियस जो होता है वो सबसे बड़ा, देन उसके बाद होता है मेटेलिक रेडियस, और सबसे छोटा जो होता है वो कौन सा होता है आपका, कोवेलेंट रेडियस होता है, ठीक है। अब इसी में अपने को क्या नजर आ रहा है, हम लोग क्या रिजल्ट पे पहुंचेंगे, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस, ठीक है, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस, क्या ट्रेंड्स अपने को मिल रहा है एटॉमिक रेडियस में, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे अलोंग पीरियड, अलोंग पीरियड यदि हम बात करें यानी कि लेफ्ट टू राइट, एल टू आर कहने का मतलब लेफ्ट टू राइट हो गया आपका, और लेफ्ट टू राइट में हम क्या देखते हैं कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है, जेड इफेक्टिव आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस जो होता है, ठीक है, वो क्या होगा, डिक्रीज, क्या होगा आपका, एटॉमिक रेडियस क्या पाया जाएगा, डिक्रीज, क्यों, क्योंकि उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। आ रहा बात समझ में, उसका साइज क्या होता है आपका, छोटा होते जा रहा है, यानी कि सो, ठीक है, सो कि साइज जो होगा वो इनवर्सली हो जाएगा किसका, जेड इफेक्टिव का, ठीक है, साइज क्या होगा, इनवर्सली हो जाएगा जेड इफेक्टिव का, साइज जैसे जैसे छोटा होगा जेड इफेक्टिव वैसे वैसे बढ़ते जाता है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। और नंबर ऑफ सेल्स सेम, बस एक बात ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ सेल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स जिस सेल्स में है अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो सेल सेम होता है, सेल में चेंजेस नहीं आता है, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, सेम, ये भी बात, ये पॉइंट को नोट करना है। अब जैसे यदि हम बात करें आगे, इधर देखें, ठीक है, ठीक, अब यदि हम यहां पे बात करें फर्स्ट पीरियड का, ठीक है, फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड में कौन सा आ जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम, तो हाइड्रोजन और हीलियम में कौन सा हो जाएगा, अलोंग द पीरियड यदि हम जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बड़ा, एटॉमिक रेडियस कम, यानी एटॉमिक रेडियस किसका बड़ा हो जाएगा, हाइड्रोजन का, एटॉमिक रेडियस किसका बड़ा हो जाएगा, हाइड्रोजन का, और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा गलत। अब बोलेगा सर पहले ही जो है सबसे पहला ही क्वेश्चन दिया और सबसे पहला ही क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट को गलत कर रहे हैं, तो बेटा ध्यान में रखना है कि हीलियम जो है वो इनर्ट गैस है, ठीक है, हीलियम जो है वो इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस ऑलवेज शोज क्या करता है, वंडरवॉल रेडियस, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि हीलियम जो होता है वो क्या होता है आपका, इनर्ट गैस होता है, ठीक है, ये क्या है आपका, इनर्ट गैस, इज दैट क्लियर, यानी कि आंसर क्या होगा आपका, हाइड्रोजन का कम होगा और एची का ज्यादा होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हीलियम रहेगा, जो भी आपका इनर्ट गैस रहेगा आईजी, वो क्या शो करेगा, वंडरवॉल रेडियस, और वंडरवॉल रेडियस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट भी आपका हो जा रहा है, क्योंकि
वंडर वॉल रेडियस कहीं भी होगा वो सबसे ज्यादा होगा बड़ा। क्लियर है? ठीक। अब सेकेंड पीरियड की बात यदि हम करें, ठीक है, सेकेंड पीरियड की बात करें तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा आपका? ठीक है, सेकेंड पीरियड बात कर रहे हैं ना, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बी सी एन ओ एफ एन ई, यही आ रहा ना? ठीक है, LiBeCNOFNe, क्लियर है? तो यदि हम इसका जाएं, ठीक है, लिथियम का, तो लिथियम का ऐसे जाएंगे तो साइज क्या होगा? छोटा। तो लिथियम का मान लेते हैं साइज ये है Li, ठीक है, Li, तो B का साइज क्या होगा? थोड़ा सा छोटा, दैट इज कॉल्ड BE, ठीक है। बोरोन का क्या होगा? थोड़ा सा साइज ये, दैट इज कॉल्ड B, और C का साइज क्या होगा? दैट इज कॉल्ड C, ठीक है। N का साइज क्या होगा? दैट इज कॉल्ड N, O का साइज क्या होगा? दैट इज कॉल्ड O, ठीक है। F का साइज क्या होगा? ये हो जाएगा बेटा F, F को थोड़ा और छोटा बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका F, F और छोटा। आ रहा बात समझ में? अब एनी का जो साइज होगा थोड़ा बोर्ड और हमको कम पड़ेगा, लेकिन आपको क्या करना, वहीं पे लिखना है, और एनी का साइज जो होगा वो इससे भी बड़ा ये ऐसा पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, वंडर वॉल रेडियस, इसमें क्या देखा जाता है, वंडर वॉल रेडियस, नोबल गैस है, गैसियस फॉर्म में है, तो ये वंडर वॉल रेडियस को शो करेगा, इसलिए इसका साइज सबसे बड़ा होता है। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा, लेकिन जो नोबल गैसेस रहेंगे उसके साइज क्या हो जाएंगे, एकदम अचानक से बहुत बड़े, इससे भी बड़ा आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो साइज, ठीक है, ओवरऑल जो साइज मिलेगा वो किसका मिलेगा, एनई का सबसे ज्यादा, देन उसके बाद एल आई, देन उसके बाद बी, देन उसके बाद बी सी एन ओ एफ, ये मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, साइज जो होगा इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यदि हम थर्ड पीरियड में जाएं, ठीक, ठीक है, यदि अब हम किसमें जाएं, थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड में जाए तो थर्ड पीरियड में भी जस्ट ऐसे ही होगा, और थर्ड पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, आर्गन का, ठीक है। अब हम डायरेक्ट सेट कर रहे हैं, आर्गन का सबसे बड़ा, और उसके बाद सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, ठीक है, देन सिलिकॉन, देन उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 17, यानी कि क्लोरीन, ठीक है, बस यही है ना, क्लोरीन तक, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और जो आर्गन था उसका साइज क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है वंडर वॉल रेडियस, ठीक है, क्या रीजन है, वंडर वॉल रेडियस। और यदि क्वेश्चन, यदि हम एक ग्राफिकल टर्म में देखें, एडवांस के क्वेश्चन जो होते हैं, यदि हम पीरियोडिक टेबल का बात करें, ठीक, तो वो ग्राफिकल टर्म्स में काफी आपको परेशान करने की कोशिश करता है, ठीक है, ग्राफिकल टर्म्स में, ग्राफ से पूछ करके। तो हम किसका बात करें, ठीक है, ग्राफ हम एक आपके लिए बना रहे हैं, वो किसके लिए है, तो यहाँ आपका आएगा साइज, और ये आपका आएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ये क्या रहेगा, AN, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और यदि हम लिखें यहाँ पे, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, ये एटॉमिक नंबर 10 तक हम दिए हुए हैं, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं कि 3 वाले का जो है वो सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, ऐसा आपको कुछ ग्राफ नजर आएगा, ठीक है, यहाँ यहाँ तक तो ऐसा जाएगा, और यहाँ 9 के बाद जो है अचानक से जो है इतना बड़ा छलांग लगाते हुए दिखेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो ये हम ऐसा मानते हैं, तो और ये किसका हो जाएगा आपका बेटा, 10 का, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा आपका, 10th वाला जो है, एक सेकेंड, यस, ऐसा हुआ। तो ये जो है एकदम ऐसा आपको दिखता हुआ ग्राफ मिलेगा, कुछ इस प्रकार से ग्राफ आपको शो करता हुआ मिलेगा, इज दैट क्लियर? तो वो उसके लिए हो गया, और ये बाकी सारे जो है एक तरह से हम ये ग्राफ को जो है इस तरीके से बना रहे हैं,
ठीक है, ये ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा और इसको हम इस तरीके से कर दे थोड़ा, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ऐसा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, और ये ऐसा कर दे। तो ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, जो आपका रेडियस रहेगा उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। और ये किसके बात कर रहे हैं हम लोग, P2 यानी सेकेंड वाले पीरियड का बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो अभी हम लोग देखें, ठीक है। हर बात समझ में। अब इसी में हम लोग थोड़ा और आगे देखते हैं कि क्या है। ठीक है, अब जैसे अलोंग ग्रुप बात करें हम, ठीक है, सॉरी अलोंग पीरियड हो गया ना, ठीक है। अब बात करेंगे अलोंग अलोंग ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप का यदि हम बात करें, ग्रुप में किस प्रकार से नजर आएगा, तो टॉप टू बॉटम, सॉरी हाँ टॉप टू बॉटम, जिसको हम लोग T2B भी कहेंगे, ठीक है। टॉप से बॉटम यदि हम लोग जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या रहता है, जेड इफेक्टिव आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जो सेल्स रहेगा वो बदलेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ सेल, ठीक है, नंबर ऑफ सेल जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज, यानी सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, जैसे जैसे नीचे आते हैं पीरियड बदलता है ना, तो सेल भी वो क्या होता जाता है, आउटर मोस्ट सेल भी है वो भी क्या होता जाता है, बदलता जाता है, बढ़ता जाता है, ऑटोमेटिकली साइज जो है वो भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता हुआ आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इंक्रीज करता हुआ देखने को मिलता है। यानी कि ग्रुप यदि हम वन की बात करें, ग्रुप यदि वन की बात करें, ये आपको साइज का ट्रेंड मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नीचे की तरफ, वैसे वैसे जो है इसका क्या, नंबर ऑफ सेल्स बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और साइज जो है वो आपका बड़ा होता जाएगा। इसमें भी कोई अभी तक एक्सेप्शन नहीं है, ये ध्यान में रखना है। यदि हम ग्रुप टू का बात करें, ग्रुप टू का बात करें, तो फिर क्या हो जाएगा आपका, ये इस प्रकार से जो है वो ट्रेंड्स आपका मिलता है। आ रहा बात समझ में, क्लियर है। और इनका यदि हम ग्राफिकल थोड़ा सा देखें रिप्रेजेंटेशन साइड, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें साइज और एटॉमिक नंबर का, ठीक, ये क्या हो जा रहा है आपका साइज, और ये हो जा रहा है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये हम लोग लिख रहे हैं 3, और उसके बाद जा रहा है आपका 11, 19, ठीक है, 37, 55, 87, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है। और साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं, यहां से हम लोग करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली जो है इस प्रकार से हम लोग जो है ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। एकदम रियल तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन आएगा, लेकिन एक इस तरीके से बढ़ता हुआ ही नजर आपको आएगा, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से एटॉमिक नंबर के साथ आपको दिखेगा, ठीक है। आपको आदत होना चाहिए ग्राफ का, क्योंकि इस तरीके से ट्रेंड्स के अनुसार ग्राफ बन रहे हैं, और यदि एक्सेप्शन भी आ रहा है तो कैसे उसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप वन का है, ग्रुप वन, हाइड्रोजन को हम लोग छोड़े हैं, केवल इसको ले हैं, ठीक है, ऐसा नजर आएगा। और यदि हम ग्रुप टू की बात करें, ठीक है, यही बात करते हैं, ठीक,
और ये आपका होगा एटॉमिक नंबर, और देखेंगे कहीं नीचे कट तो नहीं रहा है, ये हो जाएगा आपका 4, ये 12, 20, ठीक है 38, उसके बाद 56, और ये हो जाएगा आपका 88, ठीक है। तो वैसा ही ट्रेंड चलेगा, ठीक है, बस यहाँ से थोड़ा सा और जो है ना ऐसे करके दिखा देना है। आ रहा बात समझ में? ये ऐसा क्लियर है? थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन ये एक ओवरऑल ऐसा हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? और ये क्या है आपका साइज, और ये क्या एटॉमिक नंबर, और ये किसके लिए है? ग्रुप टू के लिए है। आ रहा बात समझ में आपका? ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आज हम लोग क्या कर लिए, जितने भी रेडियस थे उसके बारे में, ठीक है। मेटेलिक रेडियस तक कंप्लीट हो गया है, आपका क्या बचता है आयोनिक रेडियस, वो हम लोग आगे फर्दर डील करेंगे, ठीक है। लेकिन अगले क्लास में हम लोग कुछ एक्सेप्शनल जो है साइज का जो ट्रेंड्स है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, उतना ही हम लोग दे रहे हैं, जितना उतना ही हम आपको दे रहे हैं, जितना आपका डाइजेस्ट हो जाए कम से कम, ठीक है। ये सारा कुछ ध्यान में रखेंगे, तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।